हेलो चिल्ड्रेन टूडे आई जस्ट गोइंग टू प्रेजेंट दर्जन ऑफ लेसन पैसों का पेड़ इन माय नेक्स्ट इन फुल्लिशिंग रीडिंग पार्ट ऑफ इट आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू पैसों का पेड़ आप जानते ही हैं सदा सत्य ही बोलना चाहिए झूठ बोलना बुरी आदत है फिर भी यदि किसी नेक काम के लिए ऐसी का सहारा लिया जाए जिससे किसी का कोई न होता हो, तो उस झूठ झूठ को जूट नहीं, बल्कि कुशलता कहा जाएगा। दूसरों को सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करना कहा जाएगा झूठ और सच का निर्णय बोलने वाली की नीयत और उद्देश्य पर भी निर्भर करता है पाठ प्रवेश किसी बच्चे के मन में नेक विचार आया कि उसकी तरह उसके हम साथियों को भी दूसरों की मदद के लिए आगे आना चाहिए साथ ही उसकी इस नेक सलाह को मानने को तैयार न हुए हो ऐसे में वह किसी झूठ का सहारा लेकर उनसे वह नेक काम करवा ले तो इसे क्या कहेंगे हमारा अनुमान है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आप भी उसे शाबाशी ही देंगे उस पर झूठ बोलने का आरोप तो नहीं ही मढ़ना चाहेंगे पात्र रीता, विमल, मोहन, वीरू, मंच पर दस बारह गमले रखे हैं और चार पांच बच्चे मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए लूडो खेल रहे हैं मोहन बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा करता हुआ छोटी सी संदूक ची और कागज के छोटे छोटे राष्ट्रीय झंडे लिए हुए प्रवेश करता है रीता खेलते हुए लो मोहन आ गया आओ मोहन विमल आओ आओ मोहन मेरी जगह खेलो मोहन मैं खेलने नहीं आया हूँ बहुत जरूरी काम से आया हूँ रीता कभी खेला भी करो मोहन हर वक्त पढ़ना और काम करना मोहन संदूकची जी बजाता हुआ चंदा जमा करने आया हूँ इस वक्त खेलने के वक्त खेलता भी हूँ मेरी बात सुनो मैं बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा लेने आया हूँ बहुत भारी बाढ़ आई है बिहार में लोग भूखों मर रहे हैं उनके घर गिर गए हैं। सब सामान बह गया वीरू इतनी भयानक बाढ़ आई है मोहन हाँ भाई हजारों लोग बेघरबार हो गए हैं उनके पास खाने के लिए दाना तक नहीं है पहनने के लिए चीठरी भी नहीं है भाई। मितुन, तो इनका इंतजाम सरकार करेगी हमसे क्या मोहन हमें भी कुछ करना चाहिए मिथुन इसलिए हमने अपना एक सहायता कोष बनाया है जो भी जमा कर पाएंगे उन्हें भेज देंगे विमल तुम भी मोहन ये बेकार के बचरे ले बैठते हो मौत से लूडो खेल रहे थे तुम पैसे मांगने आ गए। हमारे पास पैसे कहाँ मोहन अरे तुम्हें घर से पैसे नहीं मिलते विमल कितने पैसे तुम रोज स्कूल में खाने पीने में खर्च करते हो थोड़ा सा इसमें भी दे दो संदूक जी बजा कर लाओ रीता मिथुन कुछ निकालो वीरू भैया हमारी जेब तो खाली है निकर की जेबे उलट देता है मोहन तो घर से मांग लाओ मिथुन इस वक्त घर कौन जाएगा रखो एक बाजी लूडो हो जाए रीता और लोगों से चंदा ले लेना मोहन अपने साथियों से तो मत वसूल करो मोहन तुम चार चार आने भी नहीं दे सकते वैसे आठ आठ आने की टॉफिया खा जाओगे मिथुन खाया हुआ अपने पेट में जाता है मोहन लेकिन तुम्हारा दिया चंदा दूसरे के पेट में जाएगा गरीबों का पेट भरेगा विमल खेलो भाई ये मोहन तो नेता हो गया है खेलने लगता है सब बच्चे मोहन की ओर से उदासीन होकर अपने खेल में मशहूर हो जाते हैं मोहन के दिमाग में कोई मजेदार बात आती है उसके चेहरे पर खुशी छा जाती है और वह संदूक ची टक कर खेलने के लिए तैयार हो जाता है मोहन मैं भी खेलूंगा बीच में घुस जाता है मिथुन आगे रास्ते पर ए वीरू, तुम जरा हटो मोहन को खेलने दो वीरू हटकर खेल देखने लगता है और मोहन तीन चार बार गोटी फेंक कर एकाएक जैसे कुछ याद करने लगता है रीता क्या हुआ मोहन मोहन एक बहुत जरूरी बात याद आ गई चुटकी बजाकर, मैं जरा जादू का काम कर लू पीरू जादू सीखा है क्या मोहन ऐसा वैसा जादू नहीं बहुत फायदे का जादू सीखा है और जादू भी क्या एक मंत्र है मिथुन मंत्र कैसा मंत्र है भाई मोहन जैसे मंत्र याद करते हुए इस मंत्र से पैसों का पेड़ लगाया जाता है सब आंखें फाड़ कर मोहन को ताकते हैं और लूडो एक और सरका देते हैं रीता पैसों का पेड़ बात समझ में नहीं आई मिथुन बकता है झूठ मूठ मोहन यही सही तुम लोग खेलो मैं तो पैसों पैसों का पेड़ लगाने जा रहा हूं वीरू अरे हमें भी बताओ मोहन हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। मोहन भाई विश्वास करने की बात है विश्वास करो तो सब कुछ है नहीं तो कुछ भी नहीं है रीता हम विश्वास करते हैं तुम बताओ भी विमल, उत्सुकता से, कैसा होगा पैसों का पेड़? मोहन गमले के पौधे की ओर इशारा करता हुआ ऐसा ही होगा पैसों का पेड़ इस पौधे में फूल खिलते हैं उसमें पैसे लगेंगे मिथुन आश्चर्य और प्रसन्नता से पैसे लगेंगे मोहन और क्या एक आना बोगे तो चवनिया लगेंगी चवनिया बोगे तो अठनिया लगेंगी और अठनिया बोगे तो रुपए लगेंगे सभी उत्सुकता और आश्चर्य से सच मोहन जादूगर की तरह पर एक मंत्र पढ़ना पड़ता है वीरू हमें बताओगे मंत्र मोहन मिथुन बताएगा क्यों नहीं मोहन तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है क्यों मोहन विमल फिर तो हमें घर से पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी रीता ये तो बहुत बढ़िया बात होगी ताली बजाती है मिथुन कहाँ बोएंगे हम पैसे मोहन गमलों में बो सकते हो और इनका पौधा इतनी जल्दी निकलता है कि ताजुब में पड़ जाओगे रीता मंत्र तो बताओ वीरू लिख लो मंत्र नहीं तो भूल जाएंगे मोहन दिमाग पर जोर देते हुए कौन सा दिन है आज मिथुन मंगलवार मोहन जादूगर की तरह बहुत ठीक बन गया काम यह पे मंगल के दिन ही लगता है चार पंच दिनों में मुझे पैसे देने लगता है वीरू मंत्र तो बताओ मोहन अभिनय करते हुए हाँ हाँ अभी लो कुछ याद करके लिखो सब बच्चे कागज पेंसिल निकाल लेते हैं मोहन जय पैसा महाराज श्री श्री पैसा महाराज की जय अंड हाथ से बच्चों को रोककर कर यहाँ पर फूंख मारनी है फूक मारकर बताता है इस तरह पेड़ लगे पैसा उगे जय पैसा महाराज छू मंत्र, कलकत्ते वाली, हिमालय वाली मद्रास वाली देवी की जय इसके बाद तीन चार पल तक पैसे का ध्यान करना और आगे लिखो कुछ सोचकर अंड बंड फंड छू मंत्र, छू मंत्र, छू मंत्र। एक क्षण रुककर कर बस इतना सा ही मंत्र है अच्छा मैं अपना पेड़ लगा आऊ मोहन संदूक जी लेकर जाता है सब बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। मिथुन मेरे पास चवन्नी है जेब से निकालकर दिखाता है वीरू मेरे पास तो कुछ भी नहीं है रीता मैं मम्मी से मांगकर अभी लाती हूँ विमल चीख कर अठन्नी लाना रीता मैं भी अठन्नी ले आऊ मिथुन और क्या बोना है तो अठननी बोए वीरू फिर रुपए लगेंगे मैं भी ले आऊ विमल पर कहा? मितुन रीता से गमले मांग लेंगे इसके यहाँ बहुत से गमले खाली पड़े हैं वीरू स्वीकृति जताकर हाँ ये ठीक है सब लोग यही गमलों में पैसे बोएं देखे किसका पेट जल्दी निकलता है तीनों भाग जाते हैं तब मोहन मंच पर आता है गर्व से चारों ओर देखता है मोहन चुटकी बजाकर अब पेड़ लगकर रहेंगे आहट सुनकर छिप जाता है रीता गमला लिए हुए आती है फिर सब बच्चे एक एक गमला उठाए मंच पर आते हैं और अपने अपने गमले में अठन्नी बोते हैं और मंत्र पढ़ते जाते हैं मिथुन तूने क्या बोया रीता अठन्नी अठन्नी बोई है विमल मैंने भी जरा पानी ला रीता रीता पानी पानी तो दे दे रीता पानी लगती है और बारी बारी सब गमलों में डालती है सब अपने अपने गमलों पर खड़िया से अपना नाम लिखकर कूदने लगते हैं रीता अच्छा आओ अब चले मिथुन हम लोग शाम को अपने पौधे देखने आएंगे वीरू, नहीं जी, अभी थोड़ी देर बाद आकर देखेंगे। विमल, और क्या मितुन? मोहन कहता था कि चार पांच दिन बाद उसमें पैसे रुपए फलने लगेंगे अभी चले सब बच्चे अपने अपने गमले दोबारा देखकर चले जाते हैं मोहन जो अब तक छिपा हुआ था अपने संदूक कुछ पैद पौधे तथा झंडे लिए हुए आता है। चारों ओर देखकर मोहन यह रही करामात। खुद अपनी पीठ ठोकता है। बाहरे मोहन बाह। मोहन एक गमले की मिट्टी हटाकर अठन्नी निकलता निकालता है उसे परखता है और चंदे वाली संदूकची में डाल लेता है इसी तरह वह चारों अठन्निया खोद खोद कर संदूकची के हवाले करता है और उनमें एक एक पौधा लगाकर चलने को होता है मोहन पूरे दो रुपए आगे चंदे में सब बुद्धू बन गए खन खना कर चला जाता है अंड बंड फंड चारों बच्चे खिलखिलाते हुए प्रवेश करते हैं और गमलों में निकले हुए पौधे देखकर एकदम खुशी से चीख उठते हैं रीता मेरा पौधा निकल आया ताली बजाकर नाचने लगती है वीरू मेरा सबसे बड़ा है, खूब तालियां बजाता है मिथुन मेरा बड़ा है नाप लो कूदने लगता है चारों खुशी में नाचने लगते हैं तभी मोहन झंडे लिए प्रवेश करता है मोहन बड़ी खुशियां मना रहे हो मिथुन हमारे पौधे निकल आए मोहन आओ तुम लोगों के झंडे लगा दो झंडे लगाता है वीरू तुमने ये झंडे लगा दिए हमने अभी चंदा कहा दिया है मोहन हंसकर तुम लोगों का चंदा हमें मिल गया है वह हमने जमा भी कर दिया है आखिर पैसे के बेद लगाए थे तुम लोगों ने मितुर कुछ कुछ समझकर क्या मतलब मोहन हंसकर कहो कैसी रही रीता सिर हिलाकर पर प्रसन्नता से तो तुमने चकमा दिया मोहन हमें एक अच्छे काम के लिए चंदा वसूल करना ही था इस तरह आसानी से हो गया वीरू पर तरकीब खूब सोची वाह बाई वाह सब बच्चे दिल खोल कर हंस पड़ते हैं मितुन अच्छा मोहन आओ अब तो लूडो खेल लूडो बिछाने लगता है सब हंसते रहते हैं कमलेश्वर